हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि बदलरिया से सुंदरिया कैसे बने। मैं आपको सिखाने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप मेकअप। यस, जिनको बिल्कुल भी मेकअप करना नहीं आता है और जो सीखना चाहते हैं कि मेकअप कैसे करें, मैं उनको आज पूरे वीडियो में ये सिखाने वाली हूँ कि आप कैसे मेकअप करें और बंदरिया से सुंदरिया बन जाए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना यार। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, मेरी बहुत ही ड्राई स्किन है तो यहाँ पे मैंने प्लम का फेशियल ऑयल यूज़ किया है। जस्ट वन ड्रॉप, हल्का सा ही, बस 2 ड्रॉप्स ही अप्लाई करिएगा। बहुत ज़्यादा लगा लेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो जाएगी। हल्के मोशन में अप्लाई करिए अपने फेस पे। एज यू कैन सी आई एम अप्लाइंग ऑन माई फेस। अच्छी तरह से जब ये एब्जॉर्ब हो जाए आपके फेस में, देन मैंने यहाँ पे सेटाफिल की मॉइस्चराइजिंग क्रीम ली है जो कि बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल ग्रीसी फील नहीं होता इसको लगाने के बाद, बस बहुत हल्का यूज़ करना है। पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, डॉट डॉट लगा के उसके बाद फेस में अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। बहुत ज़्यादा स्टिकी फन आपको फील नहीं होगा इस मॉइस्चराइज़र को लगाने के बाद, और बहुत ही अच्छे से ये फेस को हाइड्रेट कर देता है एकदम। आँखों के पास भी अच्छे से अप्लाई कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे जब आप फाउंडेशन लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। मैंने यहाँ पे वैसलीन का लिप बाम यूज़ किया है अपने लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए। आप लोग कोई सा भी लिप बाम अप्लाई कर लीजिएगा ताकि लिपस्टिक लगाने पे आपके लिप्स जो हैं स्मूथ रहें। अब यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पे मैंने शुगर का फाउंडेशन लिया है, बहुत मीडियम कवरेज फाउंडेशन है ये, बहुत हाई कवरेज नहीं है। अभी मैंने बस आपको बस शो करना था कि बिगिनर्स मेकअप कैसे करें, तो दैट इज़ व्हाई आई एम यूजिंग दिस काइंड ऑफ फाउंडेशन। बस 1 to 2 ड्रॉप मैंने अभी अपने ब्यूटी ब्लेंडर में लिया। अब डॉट डॉट करके अपने स्किन पे अप्लाई करना है आपको, उसके बाद डैपिंग मोशन में आपके ब्यूटी ब्लेंडर को आपको अप्लाई करना है अपने फेस पे, आराम से हल्के हाथों से आईज के नीचे भी अप्लाई करते चलिएगा। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था ब्यूटी ब्लेंडर में, देखिए मैंने अलग से फाउंडेशन को अपने स्किन पे लगाया है क्योंकि इसकी जो कवरेज है बहुत मीडियम है, थोड़ा मतलब सीरम टाइप का ये फाउंडेशन है, तो मैंने दोबारा से अप्लाई कर लिया। ये मेकअप क्योंकि बिगिनर्स के लिए है जिनको बिल्कुल मेकअप नहीं आता है, तो मैंने ये कलर करेक्टर वगैरह का यूज़ नहीं किया है। ये जस्ट अ कॉमन मेकअप है जिसको आप हर कोई कर सकता है जिसको बिल्कुल भी मेकअप की नॉलेज नहीं है। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन का चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा आपका कौन से स्किन टोन है, फेयर है, मीडियम है, डार्क स्किन टोन है, उसके अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन अप्लाई करें। अब यहाँ पे मैंने फाउंडेशन को सेट करने के लिए कलर एसेंस का ही पाउडर, फेस पाउडर यूज़ किया है। मैंने हाईली प्रोफेशनल ब्रांड्स का यहाँ पे यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये बहुत ही जो वीडियो बनाई गई है ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, तो उनके पास हाईली प्रोफेशनल ब्रांड अवेलेबल नहीं होते, तो मैंने बहुत ही कॉमन ब्रांड्स का यूज़ करके बनाया है ताकि आप आसानी से उसे ख़रीद सकें। यहाँ पे मैंने एल ए प्रो गर्ल का कंसीलर यूज़ किया है अपने आईज़ को, अपने फेस के नोज़ को हाईलाइट करने के लिए, हाईलाइटेड एरिया को। ये देखिए मैं जैसे अप्लाई कर रही हूँ ना, आपको भी वैसे ही सेम अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा नहीं लगा लेना अपने फेस पे, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपका फेस हाईलाइट होने लगेगा, बहुत ही फेयर लुक देगा, फिर आपका जो स्किन टोन है और उससे फेस का जो टोन है दोनों अलग अलग लगने लगेगा। अब यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने आईज़ के पास के कंसीलर को टैपिंग मोशन में ब्लेंड करना है। आईलिड्स के ऊपर भी लगाते चलिएगा आप लोग, नहीं तो आईलिड अलग कलर की और आईज़ के नीचे अलग कलर, अलग अलग कलर हो जाएगा सब। डैप 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 और देन अप्लाई योर कंसीलर ऑन योर आईज।
देखिए पूरी अच्छी तरह से ये मेरा कंसीलर भी ब्लेंड हो गया है। कितना नेचुरल सा फिनिश लुक आ रहा है, बहुत ज़्यादा देखिए लग नहीं रहा है कि कुछ थोपा हुआ अपने फेस पे आपने। अब यहाँ पे मैं ना गाइस कंटूरिंग कर रही थी पूरा इसका, कंटूरिंग के लिए नोज़ और फेस में साइड में, ये देखिए पूरा वीडियो अच्छे से इसमें आ नहीं पाया है ना। अब मैंने देखिए ये आई शेडो पैलेट की हेल्प से ब्लश भी अप्लाई किया है पिंक शेड लेके। आपको अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा पिंक आई शेडो अपना, मतलब जो भी आपके पास आई शेडो अवेलेबल है उसमें भी कोई पिंक लाइटर शेड देख के उसमें भी आप ब्लश अप्लाई कर सकते हैं फेस पे। अब मैं यहाँ पे अपने आईब्रोज को बना रही हूँ। यहाँ पे आप कोई सा भी आईब्रो पेंसिल यूज़ कर सकते हैं गाइस, जो भी अवेलेबल हो। बहुत ज़्यादा जिसका फेयर स्किन टोन होता है वो ब्राउन कलर का बेसिकली यूज़ करें अपने आईब्रो को बनाने के लिए, और जो मीडियम स्किन टोन है जिनका ब्लैकिश आईब्रो है तो वो ब्लैक आई शेडो पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ। बहुत ही लाइटर ब्राउनिश शेड का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ब्रश में अप्लाई करने के बाद। देखिए मैं क्रीज पे अपने आई शेडो को अप्लाई कर रही हूँ। और हल्का सा डैप कर ले अपने आई शेडो को, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा पैची सा लगेगा इसके ऊपर। देखिए मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ, आप लोगों को भी इसी तरह अप्लाई करना है। जस्ट उसके बगल में थोड़ा सा डार्क ब्राउन में शेड है उसको आप ले लें और उसी के जस्ट नीचे क्रीज पे आप अप्लाई करें जैसे आप देख रहे हो, क्योंकि आपकी जो क्रीज होती है वो ब्राउनिश शेड में होती है, तो हमेशा ब्राउन शेड का ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है अपने क्रीज को थोड़ा इन्हेंस करने के लिए। देख रहे हैं आप गाइज, इसमें ज़्यादा अच्छे से आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन फाइनल लुक में आपको पता चलेगा कि आपने जो भी अप्लाई किया है ना वो इन्हेंस होता है जब आप दूसरे कलर को मिक्स करते हैं ना, तो आपकी जो क्रीज है वो अलग से हाईलाइट होती है। मैं सेम ब्रश से ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों के पास अलग अलग ब्रश अवेलेबल नहीं होते। अब देखिए मैंने यहाँ पर ब्लैक आई शेडो लिया है। अब देखिए मैंने ब्रश को ऐसे फ्लैट करके पकड़ा है और साइड में जैसे लाइनर लगाया जाता है ना, लाइक उस तरह से मैंने इसको अप्लाई किया है ऑन माई आईज। देखिए एकदम अच्छे से ब्लेंड करना है साइड में ताकि शेडिंग अच्छी आए। कम से कम 2 शेड्स अप्लाई करेंगे ना तो आईज आपकी अच्छे से इन्हेंस होती है। आई शेडो की हेल्प से ही देखिए मैंने साइड में लाइन ड्रॉ करी और उसे अच्छे से अप्लाई कर लिया साइड में। ये देखिए अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्लैक आई शेडो को ऑन दी सर्कुलर मोशन। इस तरह से ही आपको ब्रश को चलाना है अंदर की ओर, ना कि बाहर की ओर। बाहर की ओर चलाएंगे आप तो आपकी आई शेडो फैल जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा। आपको अंदर की ओर ही ऐसे अप्लाई करना है। आप देख रहे हैं दोनों तरफ कितने अच्छी तरह से अप्लाई हो गया ब्लैक आई शेडो मेरा। इससे आपकी आईज थोड़ी बड़ी लगेगी। हमेशा डार्कर शेड ही इनर कॉर्नर में साइड में अप्लाई करना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे लॉरियल का आई शेडो पैलेट का यूज़ किया है और यहाँ से मैं जस्ट शिमरी वाइट आई शेडो का यूज़ करूँगी अपनी आई लिड्स के पे अप्लाई करूँगी। ये देखिए जस्ट लाइटर वन आई एम पिकिंग एंड अप्लाइंग फ्रॉम माय फिंगर टिप्स। ये देखिए शिमरी है, ये ब्लैक के साथ वाइट शिमरी का कॉम्बिनेशन बहुत ही एलिगेंट लगता है। ये नाइट में भी अगर आप कभी पार्टीज़ वगैरह में जाओ तो ब्लैक के साथ वाइट शिमरी शेडो मिक्स करके आप लगाओगे लाइनर वगैरह लगाने के बाद तो बहुत ही प्यारा लगता है। ये आपको एक स्मोकी लुक देता है। और मैं फिंगर्स के साथ इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि इसी से शिमरी जो है वो अच्छे से लगेगा। अगर आप ब्रश के थ्रू अप्लाई करोगे तो वो अच्छे से नहीं आता है, शिमर्स जो होते हैं वो फैल जाते हैं। बहुत ही माइनर मतलब इसमें शिमर है, बहुत ज़्यादा नहीं है डार्क। अब देखिए मैंने ब्लैक आई शेडो को ही बगल में जस्ट लिया है और उसे अप्लाई कर दिया है साइड में।
थोड़ा सा डार्क करने के लिए। देख रहे हैं आप गाइस आईज मेरी। अब मैंने यहाँ पे काजल लिया है जो कि मैं एज अ आई लाइनर यूज़ करूँगी। ये देखिए गाइस, पहले एक साइड में लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको इनर कॉर्नर से हल्के हल्के हाथों से एकदम आईज के जस्ट पास में ही देखिए ये ऐसे अप्लाई करना है आपको आईलाइनर। मैंने काजल से ही ड्रॉ किया है, बहुत लोगों के पास आईलाइनर अलग से अवेलेबल ना हो तो वो भी काजल से अपनी लाइनर को ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ अब मैंने देखिए उसी से काजल लगा लिया है अपनी आईज पे, जस्ट बगल में भी मैंने यही किया, पहले काजल अप्लाई कर लिया। बिल्कुल आराम से, अगर नीचे कुछ फैल भी जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जस्ट लाइनर अप्लाई कर लिया सेम, ये देखिए एक ही काजल की पेंसिल से मैंने लाइनर प्लस काजल दोनों लगा लिया है। अब मैंने लाइटर ब्राउन शेड लिया जो मैंने क्रीज पे अप्लाई कर रही थी। अब मैंने अपनी वाटर लाइन को स्मच करना स्टार्ट किया। ये देखिए गाइस, आपको लाइटर ब्राउन शेड लेके आईज के नीचे काजल और ब्राउन आई शेडो को स्मच करना है। दोनों ही तरफ सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है, इससे आईज आपकी काफ़ी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लगती है। अब यहाँ पे मैंने नायका की लिपस्टिक अप्लाई करी है लिप्स में अपने। अब मेरा ये मेकअप फिनिश हो रहा है। अगर आप चाहे तो आईज़ में मस्कारा भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने अब हाइलाइटर यूज़ किया है, आप कोई सा भी हाइलाइटर ले के लगा सकते हैं। ये देखिए आराम से ब्यूटी बोल में अप्लाई करिए। ये देखिए आपको बेसिकली जो चीज़ें हाईलाइट करनी है वहाँ पे हाइलाइटर का यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने अपनी नोज़ की ब्रिज पे देखिए हाइलाइटर को अप्लाई किया है, नो की टो पे भी अप्लाई करना है जिससे आपकी नोज़ अच्छे से इन्हेंस हो। अपने फोरहेड पे भी अप्लाई करिएगा। ये देखिए मैंने गाइज इनर कॉर्नर पे आईज की अपने सबसे स्मॉल फिंगर से अप्लाई किया है साइड में। यहाँ पे तो टाइनी ब्रश का यूज़ होता है, तो मैंने यहाँ पे अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप फिंगर से भी अपने आईज के इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अब आईब्रो के नीचे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं हाईलाइटर को, जिससे आपकी आईज थोड़ी इन्हेंस होके आ गया है। देखिए नोज़ में भी मैंने हल्का सा हाईलाइट और कर दिया। जिनके पास ब्रश अवेलेबल नहीं होता है एज़ यू कैन नो, तो आप हाइलाइटर को अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से भी मेन मेन पार्ट्स में अप्लाई कर सकते हो। चिन पे लगाया हाइलाइटर, देन हल्का सा चिक्स में और हेड पे। नाउ मेकअप इज डन। नाउ अगर आपके पास कोई सेटिंग स्प्रे है तो आप वो अप्लाई कर सकते हो अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए। और अगर अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा मेरे पास सेटिंग स्प्रे था तो मैंने अप्लाई कर लिया। अब मैं मेरा मेकअप लुक फिनिश हो चुका है, अब आप देख सकते हैं दिस इज़ माय फाइनल लुक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।